तो हमारा यहाँ पे सीएस रैंक चेंज होने के बाद फाइनली मैं यहाँ पे पुश करने लगा, जो कि हमारा यहाँ पे रैंक ड्रॉप करके डायमंड 4 दिया था। एंड इतना ही नहीं, मैं यहाँ पे पुश करते ही करते 48 स्टार भी हीरोइक का लगा देता हूँ। एंड बस मेरे को 2 स्टार ही प्लस चाहिए था ग्रैंड मास्टर का। हाँ, इसमें क्या होने वाला है, मेरा ग्रैंड मास्टर लगता है नहीं, वो तो वीडियो बता देने वाला है। एंड आप लोग को ये बता दूंगा कि मैं पिछले सीजन में पुश किया था ग्रैंड मास्टर, इसके बीच मेरे को बस 5 का ही प्लस चाहिए थे एंड उतना मेरा हुआ ही नहीं था, एंड मेरे को ड्रॉप करना पड़ा था। लेकिन इस वाले सीजन में मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ, जो हो भाई मेरे को ग्रैंड मास्टर टच करना ही है। एंड स्टार्टिंग से कैसे बंदे आते हैं भाई, कितना हार्ड आते हैं, वो तो आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड उसको हैंडल भी कैसे करते हैं वो सब आप लोगों को बता दूंगा वीडियो में। एंड आप लोग भी अगर ट्राई कर रहे हो पुशिंग करने का, तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि भाई क्या क्या गलती आप लोग से होता है मेरे से भी। तो यहाँ पे मेरा रैंक सीजन चेंज होने में बस 5 मिनट बाकी है, तो 5 मिनट के बाद हमारा रैंक सीजन चेंज हो जाने वाला है। एंड देखते देखते हमारा रैंक भी हो गया, जो कि मेरे को डायमंड 4 पे ड्रॉप किया था। एंड फर्स्ट मैच भी जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, हम लोग 2 ही फ्रेंड है, 2 फ्रेंड हमारा नहीं है, तो रैंडम आएंगे, आई डोंट नो कैसे आएंगे या नहीं आएंगे। और फर्स्ट मैच में मेरा काफी हेल्थ कम कर दिया था, तो ये पीछे आके मैं मेडी करने लगा, लेकिन उससे पहले मेरा फ्रेंड एक डाउन रहता है, एंड फिनिश भी हो चुका है, और उधर का 3 प्लेयर बाकी है, जो कि एक मैं ही मारा हूँ। एंड काफ़ी डैमेज लगा और डाउन होने वाला था, लेकिन मेरा फ्रेंड को काफ़ी डैमेज दिया, एंड पीसेस भी गया लेकिन नहीं लगा। एंड मेरा सारा फ्रेंड डाउन हो गया था, जो कि एक को डाउन किया, एंड फटाफट दूसरे को डैमेज देना चाहा, एंड डाउन भी हो गया। डाउन होते ही अपना फ्रेंड को जल्दी से बचा भी लेता हूँ, एंड जैसे ही बचाया, इसको फिनिश करने के बाद मेरे यहाँ पे 53 किल हो जाता है। मैं 1 किल और करूंगा, मेरे यहाँ पे क्वार्टर किल हो जाएगा। एंड अपना फ्रेंड को बोलता हूँ भाई किल ना कर, मेरे को किल करने दे। लेकिन यहाँ पे रिक्स भी है, फर्स्ट मैच है, हम लोग को बोया लेना है, तो अपना फ्रेंड को बोलता हूँ अगर चांस में आए तो मार ही देना, तो शायद सामने है। एंड मेरा फ्रेंड भी रश कर रहा है, जो कि काफी डैमेज दिया। एंड यहाँ पे फाइनली मैं यहाँ पे फिनिश कर दिया, मेरा फ्रेंड ने यहाँ पे किल नहीं किया था। एंड यहाँ पे मेरा फर्स्ट राउंड भी क्वार्टर हो जाता है। अब सेकंड राउंड में वही सीन हो जाता है, मेरा फ्रेंड एक डाउन हो जाता है, एंड अपना फ्रेंड को जैसे ही बचाने आता हूँ, सारे के सारे बंदे रश कर देते हैं, जो कि एक को डाउन किया एंड दूसरे को साथ ही साथ डाउन कर दिया, और तीसरे को डैमेज दिया, और तीसरा भी डाउन हो गया। अब तीसरा डाउन ही हो गया, एंड अपना फ्रेंड को बोलता हूँ कि मेरे को 1 किल करना है और फिर से क्वार्टर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कौन सुनेगा, मेरा फ्रेंड ने काफी डैमेज दिया एंड फिनिश कर दिया। वो चाहता तो मेरे को क्वार्टर करने देता, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क हो गया था, इसलिए उसने फायर किया, एंड यहाँ पे उसका किल भी हो गया। इस वाले मैच में तो काफी दिक्कत हो रहा था, मतलब मेरा फ्रेंड सब मर जा रहा था, एंड हम 1 या 2 ही बाकी रह गए थे। अब उधर तो 4 बंदे बाकी हैं, अगर ये वाला राउंड हम लोग हार गए तो समझ लो कमबैक हो सकता है उधर का। एंड देखते हैं कितना होता है हमारा, जो कि 3 राउंड हो चुके हैं ना, ये फाइनल राउंड है, और हम तो पीछे ही देख रहे थे, लेकिन उससे पहले मेरा फ्रेंड प्रेस कर दिया, जो कि इसको डैमेज दिया एंड डाउन भी किया। दूसरे प्लेयर आ गया एंड इसको ग्रेनेड किया, जो कि यहाँ पे फ्लैश से डाउन हो गया। अब डाउन होते ही फिर से प्लेयर आ गया, लिटरली ग्रेनेड से मैं बच ही गया था, और यहाँ पे 2 vs 2 का सेवन हो जाता है। अब यहाँ पे चांस हो गया हमारा बोया का, तो आई डोंट नो यहाँ पे बोया होगा या नहीं। एंड पीछे जॉन भी आ रहा था, तो फटाफट मैं नीचे जाता हूँ, एंड 7वें बंदे, एंड मेरे को जिसे दिखा उसको डैमेज दिया, एंड डैमेज देते वो डाउन हो गया, और एक ही प्लेयर बाकी है, जो कि मेरा क्वार्टर होने वाला है। एंड इस बार बोल देता हूँ भाई मेरे को क्वार्टर करना है, जो कि काफ़ी डैमेज दिया, फाइनली फिनिश कर दिया, और इसमें भाई मेरा काफ़ी अच्छा खासा किल हो जाता है, क्योंकि दिन का पहला मैच था। एंड यहाँ पे मेरा प्लस भी हुए थे MVP के साथ। अब इस वाले मैच में तो हमारा 3 दिन का सेवन हो जाता है, एंड लिटरली भाई यहाँ पे देखो मेरा 2 फ्रेंड मर जाते हैं और उधर का 4 प्लेयर, तो दिक्कत तो है ही। और यहाँ पे एक को डैमेज दिया, जो कि डाउन हो ही नहीं रहा था, एंड लिटरली बहुत ही तगड़ा प्लेयर आया था, डैमेज दिया, लेकिन यहाँ पे मेरे को डाउन कर दिया, और साथ ही साथ मेरा फ्रेंड भी मर जाता है, क्योंकि हम हार जाते हैं। अब अगेन से सेम प्लेस एंड सेम राउंड हो गया है, मतलब 3 दिन का सीजन हो गया है, एंड ये हमारा फाइनल राउंड होने वाला है। जैसे मैं सामने गया, एक प्लेयर तो सामने था, एंड लिटरली मैं बच ही गया था, और ये तो डैमेज उसको देना चाहा, बट डैमेज हुआ नहीं, एंड मैंने उसको काफ़ी डैमेज दे दिया था। तो यहाँ पे उसको मारने के लिए जैसे ही मैं नीचे कूदा, उसको डैमेज दिया एंड डाउन भी कर दिया। अब डाउन करते ही बस 2 ही प्लेयर बाकी रह गया है, एंड फटाफट सामने आता हूँ, एक प्लेयर और मैं डैमेज दिया, एंड फाइनली इसको भी फिनिश कर दिया, एंड एक ही प्लेयर बाकी रह गया, जो कि मेरा फ्रेंड को डाउन कर दिया, और यहाँ पे फाइनली इसको फिनिश करके, और हमारा यहाँ पे बोया अचीव हो जाता है। थोड़ा सा रिस्की हो गया था, बट यहाँ पे बोया भी हो गया, एंड साथ ही साथ MP भी, एंड हाँ गाइस अभी के टाइम पे MP भी जो लोग है उसका मतलब माइनस नहीं होता, अगर माइनस हो तो कम ही माइनस लग जाता है। अब यहाँ पे मेरे को 2 स्टार चाहिए मेरे को हीरोइक जाने को। अब डायमंड 4 के बाद हीरोइक तो लगने वाला था, लेकिन उससे पहले कुछ ज्यादा इंटेंस में जा रहा था, जिसके कारण मैं तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया। बट हाँ, रेगुलर खेलते खेलते मतलब नॉनस्टॉप मेरा प्लस ही हो रहा था, एंड यहाँ पे मेरा 6 स्टार भी हो जाता है हीरोइक में। ये वाला मैच में तो कुछ ज्यादा ही गलत सीन हो जाता है, हम एक ही प्लेयर बाकी रहते हैं, एंड यहाँ पे देखो 2 प्लेयर है, उधर का 3-3 सिचुएशन हो जाता है। अब यहाँ पे मेरा फ्रेंड काफी डैमेज देता है एक प्लेयर को, एंड आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे हारने वाले, लेकिन एक को डाउन ही कर दिया। अब थोड़ा सा चांस हो गया था जीतने का, बट एंड फाइनली यहाँ पे हमारा 2 राउंड हो जाता है, और इतना मुश्किल राउंड हम लोग को दिया, इसका मतलब अब तो बोया बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसलिए हम लोग अच्छे से खेलने लगते हैं। अब ये वाला मैच खेला भी एंड साथ ही साथ हम लोग जीते भी, क्योंकि एक ही प्लेयर था, एंड जैसे फिनिश किया मेरा फ्रेंड ने एक ओवर मार दिया, एंड यहाँ पे हमारा फाइनली बोया हो जाता है,
एंड हमारा हीरोइक भी लग गया है और बहुत जल्दी प्लस हुआ गया। मतलब कि अभी बंदे तो बहुत ही हार्ड आ रहे हैं, लेकिन दो बंदे जो रैंडम आ रहे हैं बहुत तेजी खेल रहे हैं। एंड हमारा फाइनली मतलब बहुत सारे गेम में मेरा एमबी भी लगा है, साथ ही साथ हमारा 7 का स्टार भी हुए थे और 4 का स्ट्रीक भी। हमारे स्ट्रीक का मानो नजर ही लग गया था, यहाँ पे 0-3 हो गया हमारा। एंड लिटल ये वाला मैच हम लोग हारने वाले ऐसा लग रहा है। और देखो मेरा फ्रेंड दो डाउन हो गया, फ्रेंड तो डाउन हो गया। और जैसे ही मैं सामने जाता हूँ मेरा फ्रेंड को डैमेज देता है एंड मैं लास्ट बाकी रहता हूँ, लेकिन काफी डैमेज दिया है क्लियर को एंड मैं भी डाउन हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो भाई एक फ्रेंड मेरा बाकी है और बहुत ही गलत सीन होने वाला है, क्योंकि बस लास्ट प्लेयर बाकी है और ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं हो पाया और यहाँ पे हम लोग हार जाते हैं। अब ये हारने के बाद हाँ गाइस ये एक ही मैच नहीं हार रहा हूँ, लगातार मैं 3 मैच हार चुका हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हो कितने मैच, मतलब प्लस तो हो रहा था लेकिन यहाँ पे लगातार 3 मैच हार गया। हाँ माइनस तो नहीं हुआ लेकिन मेरा प्रोटेक्शन बचा लिया, लेकिन मेरा फ्रेंड सब एक एक करके पुश कर रहे हैं एंड काफी हद तक रैंक प्लस कर दिया है। मीन्स मैं यहाँ पे 9वें नंबर पे चल रहा हूँ एंड जल्दी से फिर मैच भी स्टार्ट कर लेता हूँ फटाफट। उसके बाद मैं फिर से रेगुलर खेला एंड साथ ही साथ हमारा काफी अच्छा खासा प्लस भी हो गया था। एंड हाँ गाइस आप लोग सोचते हो कि मैं भाई एक एक स्टार माइनस प्लस एंड सारा क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, ये सब सारे दिखाऊंगा, माइनस कितना होता है प्लस कितना होता है और सारा प्लस भी दिखा दूंगा ना, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए मैं थोड़ा कट भी करके दिखा रहा हूँ। एंड ये हम थोड़ा सा प्लस करके फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए हैं एंड ये वाला मैच भी हमारा शायद बोया होने वाला है, जो कि 3 राउंड हमारा हो गया था एंड एक प्लेयर बाकी था, इसको फाइनली फिनिश करके हमारा फाइनली यहाँ पे बोया भी हो जाता है। और नॉन स्टॉप में खेलने के बाद यहाँ पे मेरा मतलब 6 स्टार था एंड ये एमपीवी के साथ हमारा फाइनली 11 स्टार मतलब 12 स्टार इसमें अचीव कर लेता हूँ। एंड जैसे कि आप लोगों को बताया भाई शॉर्ट बनाने के लिए थोड़ा सा ये करना पड़ता है, ये बात ही 2 अक्टूबर की जिसमें ये गेम प्ले हुआ है लेकिन मेरा नहीं हुआ है, मेरा फ्रेंड ने खेला है क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा काम आ गया था जिस कारण मैं नहीं खेला है। नॉन स्टॉप ये खेल के मतलब 27-28 स्टार भी कर लिया है। हाँ ये मेरा गेम प्ले नहीं था, मतलब 11-12 के बाद नॉन स्टॉप खेला मेरा फ्रेंड ने एंड यहाँ पे 28 स्टार कर लिया था, जो कि अभी फिलहाल के लिए 4 का स्ट्रिक भी लगा दिया था। एंड साथ ही साथ फिर से हमारा एक प्लस और हो जाता है एंड लिटल ये वाला मैच थोड़ा सा अच्छा ही जा रहा था। एंड इसके बाद मैं खेला एंड लगातार प्लस हुआ यहाँ पे, मतलब 29 भी फाइनली हो जाता है, 5 का स्ट्रिक मैं कर लेता हूँ एंड फिर से मैं मैच स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैं काफी हद तक आगे बढ़ चुका था। अब अगेन से मैं फिर से एक बार मैच स्टार्ट करता हूँ जिसमें हमारा 3 का हो जाता है राउंड एंड यहाँ पे मेरा फ्रेंड ने काफी डैमेज देके एक को डाउन किया, लेकिन एक प्लेयर और रिवाइव हो जाता है। फटाफट यहाँ पे मैं ग्रेनेड करने कोशिश करता हूँ एंड रैंडमली यहाँ पे ग्रेनेड करता हूँ, लेकिन इतना तुक्का परफेक्ट जाता है जो कि एक प्लेयर को डाउन भी कर देता है। अब डाउन करने के बाद यहाँ पे फटाफट जाता हूँ अंदर, लेकिन यहाँ पे वो ग्लोबल लगा दिया था जो कि यहाँ पे मेरा फ्रेंड ने ग्रेनेड किया एंड डाउन किया। जैसे अंदर आया एक प्लेयर को डाउन किया, लेकिन उससे पहले मेरा फ्रेंड ने एक को डाउन कर दिया, इसके पूरा फिनिश हो गया एंड फाइनली हमारे यहाँ पे 6 का स्ट्रिक भी लग गया, साथ ही साथ हमारा यहाँ पे 30 का स्टार भी हो जाता है। एंड अभी के टाइम पे नॉन स्टॉप हमारा प्लस ही हो रहा है एंड फाइनली हमारे यहाँ पे 34 का स्टार हो जाता है। एंड हाँ यहाँ पे एक प्रॉब्लम सीएस में होता है, अगर माइनस प्लस होने लगे गाइस तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बट अभी के टाइम पे मेरा बहुत ज्यादा प्लस हो रहा है, मीन्स नॉन स्टॉप प्लस हो रहा है। एक मैच हार रहा हूँ तो 3 मैच जीत रहा हूँ, हाँ ऐसा हो रहा है जिसके कारण अच्छा खासा प्लस मेरे को मिल जा रहा है। एंड अपने फ्रेंड में काफी हद तक मैं आ गया हूँ लीडर बोर्ड, मतलब टॉप 4 या टॉप 3 तक आ चुका हूँ एंड बहुत जल्दी मेरा यहाँ पे लगने वाला है ग्रैंड मास्टर ऐसा लग रहा था, लेकिन कभी भी बदल सकता है भाई गेम, क्योंकि हमारा सीएस रैंक है भाई 1 स्टार के लिए पानी पिला देता है, आप लोगों को पता ही होगा। एंड साथ ही साथ हमारे यहाँ पे 36 का भी स्टार हो जाता है। अब नेक्स्ट वाला मैच भी हमारा 3-3 का सेवन हो जाता है, लेकिन उधर का एक ही प्लेयर बाकी रहता है तो आसानी से हमारा बोया हो जाएगा एंड हम पूरा प्लेयर को ढूंढने लगते हैं जो कि इस साइड था एंड मेरा फ्रेंड ने फाइनली यहाँ पे फिनिश कर दिया और अब हमारा बोया भी हो गया। अब यहाँ पे तो मेरा 40 स्टार से प्लस हो गया एंड लिटरली अब मेरा यहाँ पे लगने वाला है भाई ग्रैंड मास्टर, क्योंकि मैंने 9 ही प्लस चाहिए एंड अभी मास्टर में ही मेरे को ग्रैंड मास्टर दे रहा है। अगेन से नेक्स्ट वाले मैच में जो कि सामने एक प्लेयर रिवाइव दे रहा था एंड लास्ट प्लेयर बाकी है और हमारा 3 राउंड हो गया था एंड यहाँ पे फाइनली इसको फिनिश कर दिया और रिवाइव भी नहीं देने दिया और यहाँ पे हमारा बोया भी हो जाता है। अब बोया होने के बाद और हमारा स्टार भी बहुत अच्छा खासा प्लस हो रहा है और साथ ही एमपी भी, लेकिन यहाँ पे मेरा 46 का हो जाता है स्टार एंड बस मेरे को 4 का स्टार प्लस चाहिए। नॉन स्टॉप हमने प्लस किया एंड यहाँ पे फिर से हमारा बोया होता है और नॉन स्टॉप प्लस होने के बाद हमारा फाइनली यहाँ पे 48 स्टार हो गया था एंड इसके बाद बस मेरे को 2 ही स्टार प्लस चाहिए था, जो कि साथ ही साथ हमारा 3 का स्ट्रिक भी लग जाता है। दोस्तों यहाँ पे मेरा 48 स्टार तो लग गया था, लेकिन भाई उसके बाद जितना रॉकेट से मेरा प्लस गया था उतना ही ज्यादा तेजी से मेरा माइनस जाने लगा एंड लिटरली आप लोग विश्वास नहीं करोगे मेरा कितना माइनस हो गया था। एंड इतना ही तो बताया तो मेरा यहाँ पे ग्रैंड मास्टर नहीं लग पाया, मतलब 48 स्टार हो गया था, बस 2 स्टार बाकी था एंड मेरा कितना माइनस लग गया जो मेरा ग्रैंड मास्टर लगाए नहीं। ये तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाने वाला है, तो अभी तो फिलहाल के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ क्या मेरा यहाँ पे ग्रैंड मास्टर लग पाएगा नहीं। एंड हाँ यहाँ तक जो वीडियो देख रहे उसके लिए थैंक यू एंड जिसने अभी तक लाइक नहीं करा लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो क्योंकि मेरा ग्रैंड मास्टर लग पाएगा नहीं, क्योंकि लिटरली बहुत ज्यादा माइनस हो गया दोस्तों। लोग गेस करो कि कितना मेरा माइनस हो सकता है जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।